400 meter radius, R is given. Calculate the जो फॉर्मूला हमारा दैट इज दर टेन बाई टू सो आर रेडियस ऑफ कर इज फोर हंड्रेड एंड टेन 36 the BT1 comes है, दिया हुआ है थर्टी मीटर मतलब हम क्या करने वाले है? हर पेग को पेग हमने डिस्कस किया हुआ है ना बेसिक सर्विंग में तो पेग को तीस मीटर के डिस्टेंस के ऊपर इंसर्ट करने वाले हैं मतलब टोटल डिस्टेंस हमें कवर जो करना है वो वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट नाइन सेवन मीटर है तो टोटल कितने पेग हमें लगने वाली है पेग जितने लगेंगे मतलब उतनी ही हमें चेन लगेगी तो इसको सिंपली हमें क्या करना है डिवाइड बाय कर लेना है क्योंकि हमें पेग इंटरवल दिया वो दिया हुआ है है वो हुआ तो वन ट्वेंटी करना है तो कितना आता है वो कुछ तो भी फोर पॉइंट समथिंग आएगा मतलब चार चेन लगेगी प्लस देखो थर्टी मीटर की एक चेन होती है तो थर्टी की आप फोर चेन कर लोगे तो थर्टी इन टू फोर मीन वन ट्वेंटी मीटर हो जाएगा आपको टोटल कितना जाना है 129, मतलब प्लस नाइन पॉइंट नाइन सेवन समझ रहे हो ना दिस फोर इन मल्टीप्लाई बाई थर्टी तो कितना है तो ये पहला कैलकुलेशन हो गया हमारा बी टी वन का नेक्स्ट इज लेंथ कर का हमारा फॉर्मूला है पाए आर थीटा अपॉन वन तो एटी तो पाए हंड्रेडा इज थर्टी सिक्स अपॉन वन एटी

ठीक है और ये हमारा होता है टेंजेंट दिस इज टेंजेंट ओके ये हमारा इस तरीके से टेंजेंट होता है ओके यहां पर होता है हमारा पॉइंट ए और यहां पर होता है हमारा पॉइंट बी तो पॉइंट बी के ऊपर हमें चेनेज गिवन है यहाँ पर चेनेज है हमारी टू सिक्स वन जीरो और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है बी से लेकर टी वन तक का जो डिस्टेंस है लेटी वन हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है बी टी वन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना दिस इज फोर प्लस चैन और यहाँ का डिस्टेंस हमें आप इसको इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो टू सिक्स वन जीरो माइनस वन ट्वेंटी कर लोगे तो आपको टी वन का चैनेज मिल जाएगा या फिर इन टर्म्स ऑफ चेन भी आप कर सकते हो तो इन टर्म्स ऑफ चेन करना है तो ये टी वन पे आपको इन टर्म्स ऑफ चेन आपको पता है 4

अब हमें क्या करना करना है? Calculate the changes of the tangent points. Tangent points की की था ना? मतलब point T1 की जो ज थी वो find कर ली। अब दूसरी जो चैनेज दूसरा जो टेंजेंट हो है T2 उसकी भी चेनेज फाइंड करनी है तो चेनेज यहाँ पर T1 की चैनेज पता चल गई अब उसके बाद में लेंथ ऑफ करो हमें मालूम है हमने कैलकुलेट किया

चेंजज मिल जाएगी चेंजज ऑफ सेकंड टेंजेंट पॉइंट t2 आपको अगर ये चेंजज में डिफिकल्ट लग रहा होगा ना तो सिंपल इसको पहले आप मीटर्स में रखना है मीटर्स में कैलकुलेशन हो जाने के बाद में आप उसको क्या कर सकते हो फिर दोबारा से कैलकु उसको कन्वर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ चेंजज में अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि चेंजज में ही इसको डिफाइन करो तो आपको चेंजज में ही इसको करना पड़ेगा ठीक है